हेलो दोस्तों, फोन रैक एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro की अनबॉक्सिंग। अगर हम पैकेज की बात करें तो मेरे पास है गोल्ड कलर वेरिएंट और इस फोन के अंदर आपको मिलता है सैमसंग पे फीचर और 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल फ्रंट और 13 मेगापिक्सल रेयर। इसके अलावा आपको मिलता है 5.5 इंच का डिस्प्ले जो है सुपर अमोलेड फुल एचडी डिस्प्ले और इस फोन के अंदर आपको मिलता है ऑक्टाकोर प्रोसेसर। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इस फोन की प्राइसिंग है 22,300 रुपये, लेकिन इस फोन की एक्चुअल प्राइसिंग ऑफलाइन में है करीब 20,500 रुपये। ये है फोन, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस पैकेज के अंदर आपको क्या मिलता है। अगर हम पैकेज के कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड जो है हिंदी में और इंग्लिश में। इसके अलावा आपको मिलता है सारी इन्फॉर्मेशन बुकलेट और रीजनल लॉक गाइड और एक मैनुअल जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी वारंटी के ऊपर। तो ये है पैकेज कंटेंट्स। और इसके अलावा अगर हम पैकेज के अंदर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 एम्पियर का एक ट्रैवल अडैप्टर, बेसिक ईयरफोन, एक माइक्रो यूएसबी केबल, ये है माइक्रो यूएसबी केबल नॉट माइक्रो यूएसबी टाइप सी, और एक सिम एजेक्टर पिन। इसके अलावा अगर हम पैकेज फोन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन के पीछे की तरफ है 13 मेगापिक्सल कैमरा और उसके साथ आपको मिलता है एलईडी फ्लैश। डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी क्योंकि सैमसंग फ्रंट साइड में आपको वही बेसिक सैमसंग की डिज़ाइन मिल जाती है जो आपको गैलेक्सी S7 में भी मिली थी पिछले साल, और ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है उस फ्रंट डिज़ाइन में, लेकिन पीछे की तरफ काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन फोन है ये। और उसके अलावा यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग है और एक फुल्ली मेटल बॉडी वाला फ़ोन है इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको मिलता है ऑन ऑफ स्विच और एक स्पीकर, और इसके अलावा लेफ्ट साइड में है वॉल्यूम रॉकर्स और एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, और उसके साथ में आपको मिलते हैं ड्यूअल माइक्रो सिम कार्ड स्लॉट्स, और नीचे की तरफ आपको मिलता है 3.5 mm जैक और एक चार्जिंग पोर्ट और एक माइक्रोफोन। तो ये फिजिकल ओवरव्यू। चलिए फोन का सेटअप करते हैं और आपको मीनवाइल बता देता हूँ किसी फोन के एडिशनल और फीचर्स क्या है। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है होम बटन जो एक फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह भी काम करता है, और ये फोन पावर्ड है एक्सिनो 7870 से, और इस फोन के अंदर आपको मिलता है 3GB रैम और 64GB का स्टोरेज। यहाँ पर फोन का सेटअप हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे बेसिक ऐप्स और शॉर्टकट्स आपको होम स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे, लेकिन अंदर आपको नए ऐप ड्रॉअर के अंदर आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स के फोल्डर्स और सैमसंग पे का डेडिकेटेड एप्लीकेशन, और इसके अलावा आपको मिलता है प्री इंस्टॉल्ड ओपेरा मैक्स एप्लीकेशन जो इन्होंने कुछ महीनों से सारे अपने फोन के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है। अगर हम सैमसंग पे की बात करें तो यहाँ पर आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं एक फटाफट अपडेट के बाद और इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टोर के अंदर। अगर हम फोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन रन कर रहा है एंड्रॉइड 7.0 के ऊपर, और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 64GB का स्टोरेज जिसमें से करीब 53GB आपको अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे फीचर्स की तो यहाँ पर कैमरा आपके अंदर आपको एक सोशल का शॉर्टकट मिलेगा जिसका कोई सेंस नहीं बनता है जनरली, क्योंकि आप किसी भी फोटो को कैसे भी सोशल शेयरिंग कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा का क्वालिटी डिसेंट है लेकिन कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो को काफ़ी वाइटन कर दिया इसने, और पीछे की तरफ तो मतलब आपको कुछ दिख भी नहीं रहा है। लेकिन अगर हम रेयर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको रेयर कैमरा के अंदर कुछ एडिशनल ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि हो गए ये कुछ फिल्टर्स, उसके अलावा आपको मिलता है प्रो मोड, पैनोरामा मोड, कंटिन्यूस शॉट, HDR, नाइट और कुछ और ऑप्शंस, लेकिन यही ऑप्शंस है। और ये रहे कुछ फोटोज़ जो मैंने इस फ़ोन से अभी खींचे हैं जिससे आपको इसके क्वालिटी का आइडिया मिल जाएगा। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। पहला एक सवाल था कि इस फोन के अंदर ऑटो ब्राइटनेस सेंसर है या नहीं है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि जे सीरीज के अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स मिसिंग होते हैं, लेकिन इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा ऑटो ब्राइटनेस का सेंसर। इसके अलावा अगला सवाल था कि इस फोन के कैमरा के अंदर आपको स्लो मोशन का वीडियो फीचर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नहीं, इस फोन के अंदर स्लो मोशन का वीडियो का ऑप्शन नहीं है। और क्या इस फोन के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है? नहीं, इस फोन के अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग भी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वालिटी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो की जो है 1080p की, यह फुल HD। इसके अलावा एक सवाल है स्क्रीन मिररिंग का। तो हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं इस फोन के अंदर, वो आपको शॉर्ट ऑप्शंस के अंदर ही मिल जाएगा, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन कर सकते हैं जो है नियर बाय स्क्रीन मिररिंग। और उसके अलावा अगला सवाल है क्या इस फोन के अंदर NFC है? हाँ, इस फोन के अंदर NFC और टैप एंड पे की पेमेंट का फीचर है। एक सवाल है व्हाई डज दिस फोन एग्जिस्ट? दोस्तों, ये सवाल का तो जवाब सैमसंग ही जाने क्योंकि वो हर रेंज में प्राइसिंग प्रोडक्ट लेके आना चाहता है, लेकिन सारी जे सीरीज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं या फिर ओवर प्राइज्ड होते हैं। जैसे ये फोन का प्रोसेसर जो है वो है सैमसंग J7 Next का भी सेम प्रोसेसर, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ये मेटल बॉडी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है और सैमसंग
सैमसंग पे का फुल वर्जन है, लेकिन उस फोन के अंदर है आपको सैमसंग पे मिनी। लेकिन टेक्निकली कितने बार लोग पे मिनी यूज़ करते हैं वो तो अलग ही बात है। लेकिन एक और सवाल है, सैमसंग पे का फुल सपोर्ट है या नहीं? हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोन के अंदर आपको मिलता है सैमसंग पे का फुल सपोर्ट। तो ओवरऑल ये था सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो की अनबॉक्सिंग और एक क्विक FAQ। अगर आपको कोई और सवाल है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि आपने कभी सैमसंग पे फीचर यूज़ किया है या नहीं किया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस फीचर को यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, ये था अनबॉक्सिंग। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए फोन अड्डा का कुछ ऐसे वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।